गुड मॉर्निंग गाइज, एक्चुअली गुड आफ्टरनून। बज गए हैं 12 और देखो हम लोग बैठे इको स्पोर्ट्स में। बंदर बैठा है इधर इतनी गर्मी में, ये लगा के बैठा है ये जाड़े वाला टोपी कैप जो ये लेके आया था, कहाँ से पता है आपको? नैनीताल से ये। अरे 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 गजब, अरे गजब। तो यार हम लोग निकल रहे हैं इलाहाबाद, कुछ इमरजेंसी काम आ गया है उसके लिए जा रहे हैं इलाहाबाद। मौसम तो बड़ा सुहाना है, बट यार ये फोर्ड इको स्पोर्ट चला रहे भैया, इसका हिस्सा क्लच टाइट है कि मतलब सोच ही नहीं सकते हो। एक्चुअली अभी तो वही ऑटोमेटिक चला रहे थे इतने दिन से, और फिर सियास चला रहे थे उसका भी क्लच ठीक है, और भाई इसका तो लग रहा है ट्रक या ट्रैक्टर का क्लच है। चलो कोई नहीं, अब चलाना तो है ही है, 150 किलोमीटर की बात है, तो कुछ होता है रास्ते में दिखाने को तो दिखाते हैं, ये तो फिर मिलते हैं इलाहाबाद में। तो भाई हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे इलाहाबाद, मतलब हंडिया आ चुके हैं, और हमें टाइम लगा है कुछ अप्रोक्स 55 मिनट हंडिया पहुँचने में। यार रोड इतनी फैंटास्टिक बन गई ना, मौसम तो अच्छा था ही और रोड भी बहुत बढ़िया बन गई है। तो अभी हम लोग आगे हंडिया और फिर कहीं अभी रुकेंगे, क्योंकि तो वियानु को लगी है थोड़ी मोड़ी नौटंकी वाली भूख। तो भाई हम लोगों की यूपी में, अरे यूपी में कह रहे हैं, इलाहाबाद में एंट्री हो चुकी है। इलाहाबाद हम लोग आ गए, ये तो कोई तो पता नहीं कौन सा नया ये पुल बना, गंगा जी का पुल ही नहीं है, तो कोई छोटा पुल है यार लग रहा आगे। अच्छा ये रेलवे का ब्रिज है ये, उधर वो पीपे के पुल का सामान गिरा है, और मेरे ख्याल से इसके बाद आपका रेलवे का गंगा का पुल आ जाएगा। अखिलेश यादव जी आए थे क्या, शुभकामनाएं लिख रहे हैं यहाँ पे है, जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू अखिलेश जी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ गए हैं इलाहाबाद, और ये बहुत बड़ा सा ब्रिज है गंगा जी के ऊपर, जिसको हम पार करके आप इलाहाबाद में एंट्री करते हैं। और यार उधर उधर देखो, उधर जो दिख रहा है ना आपको, वो संगम है वहाँ पे, उधर अच्छे से तो दिख नहीं रहा है बट वो संगम है। और यार पहले से तो यहीं पे कुंभ मेला लगता है पूरा, जितना आपको नीचे ये बगल में खाली दिख रहा है ना, यहाँ पे कुंभ मेला लगता था, लगता है अभी भी लगता है, हमेशा लगता है यार। और कुंभ मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है, वर्ल्ड का काइंड ऑफ। और ये उधर ना जो तार वाला जो चीज़ दिख रहा है अच्छे से तो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा होगा, वो नैनी ब्रिज है, और वहीं पे आपका जो ये संगम मंदिर दिख रहा है वो शायद लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है या उसके अगल बगल कहीं पे है। हम लोग जाएंगे वहाँ पे तो आप लोगों को दिखाएंगे। और इधर ये रेलवे का ब्रिज चल रहा है, और आ गए यार इलाहाबाद। चलो बढ़िया लगा, काफ़ी कम समय में आए, अच्छा एक्सपीरियंस था, गुड। ये हम लोग इलाहाबाद में आ चुके हैं, और अनामिका के अकॉर्डिंग इलाहाबाद पूरे तरीके से चेंज हो चुका है, इतनी बड़े बड़े चौराहे बन गए हैं, रोड चौड़ी हो गई है, चौड़ीकरण हो गया, और ये वियान वैसे ही है, ये वियानु क्या क्या समस्या है महिला? और अब ट्रैफिक लाइट तो बढ़िया हो गई भैया, ट्रैफिक तो बहुत कम लग रहा है, अपना आराम से निकलो और चलते रहो। फिर ये कुछ चल रहा है, हम लोग ना इलाहाबाद के MG रोड पे घूम रहे हैं, और अब बहुत बढ़िया बन गया है, मतलब हमारे बनारस में तो इतना अच्छा कुछ अभी बचा ही नहीं है जो इतना अच्छा हो। और यार बड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा हो गया है, एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है, बढ़िया। और इधर हम लोग अभी सीधे जाएंगे तो हाई कोर्ट आ जाएगा, लेफ्ट चले जाओगे तो रेलवे स्टेशन आ जाएगा, और ये राइट चले जाएगा तो AG कॉलेज। और कितना बढ़िया लग रहा है कैमरे में, तो और मस्त लग रहा है यार, ऐसे तो अच्छा लग ही रहे हैं बट ऑल ओवर भी बहुत सुंदर लग रहा है। और ये अंकल उल्टा यू टर्न ले रहे हैं, लेकिन हम लोग तो जाके पूरा आगे से टर्न लेके आएंगे। और ये देखो चर्च ही है बीच में, ऐसा लग रहा है कि किसी फॉरेन सिटी में आ गई, इतने बड़े चौराहे में बताओ बीच में चर्च भी है, गजब यार। भारत में तो ऐसे हम तो कभी सोचे नहीं थे, हम तो पहले आए थे इलाहाबाद लेकिन कभी ध्यान नहीं था कि इलाहाबाद इतना सुंदर है, प्रयागराज। हाँ भाई प्रयागराज, ये देख लो यार चर्च दिख रहा है, क्या मस्त दिख रहा है ये पूरा यार, सही एकदम पूरा चौराहे के बीच में यार, गजब। मतलब हमको तो ऐसा कैटाकूम्स याद है यूरोप का, वो भी कुछ ऐसे ही था, वो भी बीच चौराहे के पेरिस में, उसके बाद तो यही अच्छा लग रहा है, मस्त बढ़िया लग रहा है। हमें क्या किधर जाना है यार, ये कुछ इंटीरियर है एलचीको का, बड़ा मस्त लग रहा है, यहीं पर हम लोग खाना खाने आए हैं, है तो एंट्री अच्छा, इसके नीचे बैठे, बड़ा मस्त सा लग रहा है यार। अच्छा यार हमारे बनारस में इतना फाइन डाइन तो पता नहीं है कि नहीं, बट यहाँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यार ये जो एलचीको है ना, अनामिका बता रही है, जो रेस्टोरेंट है पहले ना नीचे से बेकरी हुआ करता था, और यहाँ पे लेकिन बहुत पुरानी बेकरी है, और इसका
व्यू तो काफ़ी अच्छा है यार। उधर उधर एक छोटा सा वाटरफॉल टाइप का है और ये पूरा मस्त ऐसे बनाया हुआ है। तो भाई ये आ गया हमारा खाना, चीज़ नान है, ये चिकन गोश्त है। खाना तो कोई ज़रा खास है नहीं बट फिर भी ठीक है। ओके लोग आ गए हैं ना यहाँ पे, इन्हीं के नीचे इन्हीं लोगों का बेकरी शॉप है, कन्फेक्शनरी शॉप, और एकदम मस्त है यार। इधर देखो कितना बढ़िया सा लग रहा है ना कहीं फॉरेन में आए हैं। इधर देखो कितना अच्छा है, देखो क्या क्या आइटम है इधर, कैरेमल टॉफ़ी, चॉकलेट आलमंड, ये वो ड्राइड मैंगो। हाँ मस्त है, कॉटन कैंडी, ब्लूबेरी पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, रेड वेलवेट, बूंदी, ये सब मस्त आइटम है। देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या आइटम है, क्या क्या लेने वाला आइटम है। कुछ कुछ लेते हैं और लेके फिर थोड़ा देर और घूमेंगे और फिर निकलेंगे बनारस। हेलो अभियान, यहाँ ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया अभियान, क्या नाम है? रेनबो पेस्ट्री। मैंने ऑर्डर किया था ये वेनिला मैंगो आइसक्रीम जो कि बहुत अमेजिंग है, और इनका कुछ तो ये ब्राउनी बॉनबॉन जैसे पता नहीं कैसा है वो। हम लोग ऐसे ही एमजी रोड पे घूम रहे हैं, कामधेनु आए हैं इधर थोड़ा थोड़ा मिठाई लेने, और ना यहाँ जब हम, वाह यार इधर ग्लासेस देखो कितने सुंदर सुंदर हैं, ये वाला ग्लास कितना अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। और हम लोग ना वहाँ पे कहीं भी बिरयानी खाए थे पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बिरयानी थी यार। मौसम अच्छा हो गया ना इसके लिए घूमने में मज़ा आ रहा है। ये कप सेट देखो यार, वाह वाह मस्त लग रहा है, अमेजिंग। विंडो शॉपिंग चल रही है हमारी, हैं? यस, विंडो शॉपिंग करते रहो भाई। तो भाई हमारा इलाहाबाद में काम तो नहीं हो पाया, बट ये स्टेशन रोड है ना, स्वरूप रानी, अच्छा स्वरूप रानी उधर, वो भी गुलाब जामुन भी अच्छा मिलता था कहीं पे। तो यार हम लोगों ने ढेर सारी मिठाई ली है यहाँ से, कुछ कपड़े लिए हैं, बाप रे बाप, कन्फेक्शनरी शॉप से इतने शॉपिंग की है। और ये पूरा इलाहाबाद अब दिख रहा है, हम लोग लौट रहे हैं, थकान तो हो गई, बच गया 5:30। अब भैया जल्दी ली बनारस पहुँचे कल सुबह, फिर से मेरा सुबह सुबह काम चालू। और इधर है अनामिका जहाँ से पढ़ी है, बोले तो मोतीलाल नेहरू कॉलेज। हाँ, चलने को कह रही हूँ। क्या चलना है? घूमते में आते हैं, कैसा है? अच्छा। बन रहा शायद। यही तो है बस। हाँ तो भाई लोग ये जो भैया जा रहे हैं ना आगे, हमारे योद्धा जो हेलमेट हेलमेट कुछ नहीं पहने, सब कुछ इतने तेजी से निकल रहे हैं, और वियान उनको देख देख के पगलाया हुआ है। वियान चाहता है कि वो उनके साथ बनारस चला जाए, इतना तेजी से लौंडा आ रहा है चाप के कि मत पूछो भाई। और एकदम देखो देखो देखो, हम लोग अभी उधर का लेन बंद है ना, तो इधर से उल्टा चलना पड़ रहा है, वो बंदा उल्टे में तीसरी लेन में जाके पास ले रहा है, पहली दूसरी तो छोड़ दो भाई, तीसरी लेन सोचो, हिम्मत हो तो ऐसा हो भाई, मतलब लाइफ ऐसी ही हो।